चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये उलन ब्लाउज का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये दो रंगों का डिज़ाइन मैं बनाना बताऊँगी। नीचे देखिए मैंने बॉर्डर डाल लिए हैं। ये बॉर्डर मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे मैंने छः छः फंदों का बॉर्डर बनाया है। और यहाँ पर देखिए 10-10 फंदों का ये बॉर्डर बना हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरत ये बॉर्डर है। इससे आप स्टॉल पर भी डाल सकते हैं, कहीं भी आप मेंशन कर देंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसके ऊपर की डिज़ाइन हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर की डिज़ाइन हम वाइट, हम दो रंगों का है ये, वाइट बुनेंगे। इसको उतार लेंगे रेड को, फिर एक फंदा वाइट बुनेंगे, एक फंदे हम स्लिप करेंगे, एक फंदा वाइट, फिर हमने यहाँ पर रेड उतार लेना है वाइट। ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये दो दो फंदों की डिज़ाइन है फ्रेंड्स। आप 2 के मल्टीपल से फंदे डाल ले जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपने। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। अब देखिए पीछे की साइड से क्या करना है। आगे की साइड से तो आपने ऐसे कर दिया, और ये वाली डिज़ाइन मैंने बॉर्डर के तौर पर यहाँ पर डाले हुए हैं। पीछे की साइड से आपने क्या करना है, रेड वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, वाइट वाले फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, फिर रेड को हमने उतारा। पीछे की साइड से सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे, जो हमने उतारा है उनको उतारना है, जो बुना है उनको बुनना है। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत। ये अभी आप लोग देखिएगा बन के आते, फिर देखिए हम रेड उतार लेंगे, वाइट वाला बुनेंगे, रेड उतारेंगे, वाइट बुनेंगे, ऐसे हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये देखिए आगे की साइड से हमारी कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर आई है। अभी तो ये पूरी क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, वाइट वाले से हम दो सिलाई उल्टा सीधा बुनेंगे। देखिए आगे की साइड से हमने सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुनना है, वाइट वाले से हम बुनेंगे अब ये, क्योंकि ऊपर हमारा रेड से डिज़ाइन बनेगा। तो जिससे हम डिज़ाइन बनाएंगे उसका एक सिलाई आगे की साइड से सीधा, पीछे की साइड से उल्टा उल्टा हमने बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, चलिए हम बुन लेते हैं दो सिलाई। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लिया है, एक पीछे से और एक आगे से। तो पीछे की साइड से हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं, आगे की साइड से। अब देखिए हमारा रेड से डिज़ाइन बनेगा, तो हमने एक फंदे रेड से बुन लिया, वाइट का उतार लिया। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे, ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए बैक साइड से हम वाइट वाले को ऐसे उतार लेंगे और रेड वाले को बुनेंगे, यानी सफ़ेद वाले को हमने उतार लेना है और लाल वाले को बुनना है। सीधे सीधे हमने बुने जाएंगे, ऊन हमारा सीधे की साइड ही रहेगा। उल्टे साइड से हम सीधा सीधा बुनेंगे और सीधे साइड से भी हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये आपने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन पर भी डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जैसे हमारे ऊन बच जाते हैं तो आप मल्टी कलर में भी इसको डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। अब दो दो सिलाइयों की ये डिज़ाइन है, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए आगे की साइड से कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर आई है। देखिए अब हमने रेड कलर से दो सिलाई बुनना है, एक आगे की साइड से सीधा सीधा, पीछे की साइड से उल्टा बुन कर लाएंगे, फिर हमारा वाइट वाले से ये डिज़ाइन ऐसे ही बनकर कम्प्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बॉर्डर अगर बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और ऐसे ही बॉर्डर बना के आप कार्डिगन
बेबी सूज किसी पे भी डाल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जिन स्वेटर पे नहीं पड़ेगा और किसी भी प्रोजेक्ट पे आप बच्चों के डाल सकते हैं, अपने लिए ब्लाउज पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।